जिस प्रकार साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें ज्यादातर स्कूली छात्र छात्राएं इस क्राइम के झांसे में फंस जाते हैं, उनको इससे बचना और शिकायत करने के तौर तरीकों के बारे में मालूमात न होने के कारण ज्यादातर खास करके युवतियाँ ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर प्रताड़ित होती रहती हैं। इन्हीं सबसे बचने के लिए एक एनजीओ कॉल मीट के द्वारा छात्र छात्राओं को आज एक कार्यशाला के द्वारा बताया गया कि क्राइम की शुरुआत से ही किस प्रकार और किस विभाग में शिकायत कर इससे बचा जा सकता है। एनजीओ के संस्थापक अंकुर कुमार ने बताया कि उनका उद्देश्य छात्र छात्राओं को इस क्राइम से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे कि क्राइम करने वालों को पकड़ा जा सके। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकना। वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साइबर उत्पीड़न हो सकता है, साइबर हैरेसमेंट है आपका, साइबर क्राइम होता है जैसे आप उनकी आईडीज हैक कर लेते हैं, फिर उनकी गलत टाइप के पिक्स, आपत्तिजनक पिक्स डालते हैं जिनसे उनके लिए समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, कई बार नहीं की जाती हैं। अगर की जाएँ तो कैसे की जाए उनकी हम जानकारी देते हैं, और हम चाहते हैं मामला अर्ली स्टेज पर निपट जाए, क्राइम होने ना दें। क्राइम हो गया उसके बाद आप उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, जस्टिस को लंबा टाइम है। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको पता हो कि साइबर वर्ल्ड में क्या करना है क्या नहीं करना है। आज फेसबुक व्हाट्सएप सबका साथी बन गया है, बड़े साथी कितना दुखदाई है अभी लोग समझते नहीं है, जब तक किसी के ऊपर बीतती नहीं है। तो कोई भी साइबर पीड़ित ना हो उसके लिए हमने इस मुहिम को छेड़ा है। हमारे साथ लगभग अभी 150 वॉलंटियर्स हैं जो सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं।